द वॉशर प्रेजेंट्स हॉलीवुड मूवी द किसिंग बूथ 2। तो जैसा कि हमने पार्ट 1 के एंड में देखा कि नोवा हार्वर्ड चला जाता है अपने हायर स्टडीज के लिए और बेचारी एल यहीं रह जाती है अपने पुराने स्कूल में क्योंकि उसका अभी भी एक साल और बचा हुआ रहता है। तो नोवा के जाने के बाद से एल उदास रहने लगती है, पर फिर भी वो इस बारे में नोवा को बताने से घबराती है क्योंकि उसे लगता है कि अगर बार बार वो उसे कॉल या मैसेज करेगी तो वो डिस्टर्ब होगा और उसे लगेगा कि उसकी गर्लफ्रेंड एक इमैच्योर टाइप की लड़की है। और ये बात यही खत्म नहीं होती, एल इस चीज को लेकर इतना ज्यादा सीरियस रहती है कि खुद को समझदार दिखाने के चक्कर में वो खुद तो बात नहीं करती है, उल्टा नोवा भी जब उससे बात करने की कोशिश करता है तो वो उसे हर बार इग्नोर कर देती है और अगर बात भी करती है तो ना के बराबर ही। और इन सब चीजों में वो उलझे ना, इसके लिए एल ज्यादातर वक्त ली के साथ ही बिताती है, पर यहाँ वो एक बात भूल जाती है और वो ये कि ली अब पहले जैसा बेगरिया नहीं रहा, उसकी भी अब एक गर्लफ्रेंड है और उसे भी थोड़ा प्राइवेट टाइम चाहिए। पर यहाँ ली भी उससे इस बारे में कुछ नहीं कहता क्योंकि वो एक अच्छा दोस्त होने के नाते अपनी बेस्ट फ्रेंड का दिल नहीं दुखाना चाहता था। पर फिर भी इससे पहले बात बिगड़ती, एक दिन स्कूल में नोवा एल को उसके बाप के नाम से फेक कॉल करता है और उससे कहता है कि उसे उससे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, तो जब भी उसे टाइम मिले वो उसे वापस बिना इग्नोर किए कॉल करे। जिसके बाद जब एल रात होने पर उससे बात करती है तब नोवा सबसे पहले उसकी ये गलतफहमी दूर कर देता है कि अगर वो उसे बार बार कॉल या मैसेज करेगी तो वो डिस्टर्ब होगा, और फिर वो उससे कहता है कि उसने कुछ सोचा है और वो ये कि अगर उसे इतना ही डर लग रहा है कि उनका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ठीक से मैनेज हो पाएगा या नहीं तो क्यों ना वो भी हार्वर्ड आ जाए अपने हायर स्टडीज के लिए। तो यहाँ नोवा की बात सुनकर पहले तो एल खुश होती है पर जल्द ही टेंशन में भी आ जाती है क्योंकि उसने ली से वादा किया होता है कि वो दोनों अपनी हायर स्टडीज शहर के ही कॉलेज से एक साथ करेंगे, पर फिलहाल वो हार्वर्ड को लेकर कंफर्म नहीं रहती तो वो इस बात को ली से छिपाए रखना ही ठीक समझती है और अपनी लाइफ को नॉर्मल तरीके से जीने की कोशिश करती है। पर यहाँ एल की किस्मत रेत जैसी हो जाती है, जिस तरह रेत को पकड़ने से वो और फिसलने लगती है ठीक उसी तरह एल अपनी किस्मत को जितना कंट्रोल करने की कोशिश करती है वो और बेकाबू होने लगती है और इसकी शुरुआत होती है हार्वर्ड में एडमिशन को लेकर। दरअसल एल जब हार्वर्ड के खर्चे के बारे में पता करती है तो उसे पता चलता है कि हार्वर्ड की फीस उसकी सोच कह लो या औकात दोनों से बाहर रहती है, तो बेचारी एल की सारी उम्मीद एक ही झटके में टूट जाती है और क्योंकि वो नोवा को लेकर कंफ्यूज रहती है कि उनका रिलेशन टिकेगा या नहीं या फिर टिकेगा भी तो कब तक, तो एल फिलहाल के लिए अपने दिमाग से हार्वर्ड का ख्याल निकाल देती है। पर जिस रफ्तार से उसने इस डिसीजन को लिया होता है उसी रफ्तार में वो अपने डिसीजन को बदल भी देती है जब उसे पता चलता है कि नोवा ने हार्वर्ड में किसी लड़की को अपना दोस्त बनाया है, क्योंकि इस जानकारी के बाद एल नोवा को लेकर पूरी तरह से कंफर्म हो जाती है कि उसे नोवा किसी भी हालत में चाहिए और वो हार्वर्ड में अपने एडमिशन को लेकर काफी डेस्पिरेट भी हो जाती है। पर क्योंकि अभी भी हार्वर्ड की फीस को लेकर एल की प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई रहती और जिस तरह हमें कुछ चाहिए होता है और वो चीज हमें नहीं मिलती तो हम उसे पाने के लिए अपना दिमाग दौड़ाने लगते हैं, तो ठीक उसी तरह एल भी अपना दिमाग दौड़ाती है और पहुंच जाती है रिलैक्स करने ली के साथ गेमिंग क्लब में, जहां उसे एक एडवर्टीजमेंट से पता चलता है कि कुछ ही दिनों में एक डांस कंपटीशन होने वाला है जिसमें जीतने वाले को $50,000 प्राइज मिलेंगे। तो फिर बस एल लग जाती है ली के साथ दिन रात अपने डांस प्रैक्टिस में, पर यहाँ भी वो भूल जाती है कि ली की भी अपनी पर्सनल लाइफ है और इस बार उसकी ये भूल उस पर आगे चलकर बहुत भारी पड़ने वाली होती है क्योंकि ली की गर्लफ्रेंड रेचल एल की इस हरकत से हद से ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि उसकी खुद की लव लाइफ की तो लगी पड़ी है ही और इस चक्कर में वो ली और उनके बीच कबाब में हड्डी बनकर उनके लव लाइफ की भी सत्यानाश करने पर तुली हुई है और वो भी जो आप सुनना चाह रहे थे। वैसे ये बात यही खत्म नहीं होती, रेचल एल से इतनी ज्यादा चिढ़ चुकी होती है कि वो ली को सीधे सीधे कह देती है कि उनका फ्रेंडशिप गया तेल लेने, अगर उसे आगे भी अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखना है तो उसे एल को साफ साफ समझाना पड़ेगा कि वो ये सब नौटंकी बंद कर दे। और यहाँ रेचल की बात सुनकर ली बेचारा समझ जाता है कि अगर उसने जल्द ही कुछ नहीं किया तो फिर से उसकी जिंदगी जनरेटर की तरह हो जाएगी। पर फिलहाल के लिए एल खुद ली को थोड़ा आराम दे देती है क्योंकि नोवा की हार्वर्ड में छुट्टियां चल रही होती है, तो वो एल को इनवाइट करता है हार्वर्ड आकर उसके साथ थोड़ा वक्त बिताने के लिए और इसी बहाने एल को भी मौका मिल जाता है नोवा की नई दोस्त क्लोई से मिलने का। तो एल बिना देर किए हार्वर्ड पहुंच जाती है और नोवा के साथ जी भर के एंजॉय करती है और फिर फूट फूट कर रोती भी है क्योंकि क्लोई को लेकर एल का शक सही साबित होता है क्योंकि एल को नोवा के बेड के नीचे क्लोई का इयर रिंग मिलता है जिससे उसका शक यकीन बदल जाता है कि नोवा और क्लोई के बीच जरूर कुछ लफड़ा चल रहा है, जिसके बाद बेचारी रोते रोते अपने घर वापस आ जाती है और असली ड्रामा यहाँ से शुरू होता है। एक तरफ हार्वर्ड से वापस लौटने के बाद भी एल उस डांस कंपटीशन से पीछे ना हटने का डिसाइड करती है इस उम्मीद में कि शायद नोवा को लेकर उसकी जो गलत फहमी है वो हकीकत ना हो, और इसी दौरान दूसरी तरफ ली के दिमाग में भी एक प्लान चल रहा होता है जिससे उसकी एल के साथ दोस्ती भी बच जाए और रेचल भी उससे खुश रहे ताकि उसे जनरेटर बनकर अपनी बाकी की जिंदगी हैंडल ना चलाना पड़े। और इन सब के लिए उसका प्लान ये रहता है कि जैसा ही एल उसे डांस प्रैक्टिस के लिए बुलाती है तो ली जानबूझकर नाचते नाचते गिर जाता है और कंपटीशन से रिटायर्ड हट हो जाता है। हालांकि एल को उसकी इस नौटंकी का पता बाद में चल जाता है, पर ली के इस नौटंकी से यहां पर आता है एक ट्विस्ट। वैसे ये ट्विस्ट मूवी के शुरुआत में ही आ चुका था पर मुझे सही मौका नहीं मिल रहा था इसे इंट्रोड्यूस करने का। वैसे दिक्कत की कोई बात नहीं है, अभी भी देर नहीं हुई है। तो इस ट्विस्ट का नाम रहता है मार्को। हालांकि ये न्यू स्टूडेंट रहता है पर अपनी पर्सनालिटी और टैलेंट की वजह से ये बहुत कम समय में ही पूरे स्कूल में फेमस हो गया रहता है और लड़कियों की नजर में ये न्यू नोवा बन गया रहता है, बल्कि कुछ लड़कियां तो इसे नोवा से भी ज्यादा स्मार्ट और कूल मान रही होती है। तो यहां होता यह है कि ली अपना राज को
खुलने से पहले एल को कन्विंस कर लेता है मार्को को अपना नया डांस पार्टनर बनाने के लिए, जिसके बाद दोनों मिलकर मार्को को चूतिया बनाकर अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं, जिससे एल को एक सही डांस पार्टनर मिल जाता है और ली को रेचल के साथ वक्त बिताने का ढेर सारा मौका। पर जैसे ही सबको लगता है कि सब कुछ ठीक हो चुका है, तभी सबके लाइफ में सब कुछ वापस से उलझ जाता है, बल्कि इस बार मामला हद से ज्यादा बिगड़ जाता है और इसकी शुरुआत होती है एल के डर से। एल को जिस बात का डर रहता है कि नोआ उसे धोखा दे रहा है वो सच हो जाता है। दरअसल एक रोज नोआ अपना फोन हॉस्टल में भूलकर क्लोई के साथ पार्टी करने चला जाता है और इसी बीच एल उसे कॉल करती है, तो फोन रिंग होते ही नोआ का दोस्त फोन रिसीव करता है और उसे बाद में कॉल करने को कहता है। और जब एल उससे इसका कारण पूछती है तो नोआ का दोस्त उसे बताता है कि नोआ क्लोई के साथ घूमने गया है, जिसके बाद अगले दिन जब एल नोआ से बात करते वक्त पिछली रात के बारे में पूछती है तो नोआ एल से झूठ कहता है कि वो अपने दोस्तों के साथ घूमने गया था। और यहाँ नोआ के इस झूठ की वजह से एल को दोबारा जोड़ का झटका लगता है, पर वो डिप्रेशन में ना चली जाए इसके लिए वो दोबारा ली से चिपक जाती है, जिसका अंजाम आखिर में ये होता है कि रेचल फ्रस्ट्रेशन में आकर एल को स्कूल पार्टी में पूरे स्कूल के सामने सुनाकर चली जाती है। और यहाँ सबसे मजेदार बात यह रहती है कि एल सस्पेंस में ही रह जाती है कि रेचल ने उसे किस बात के लिए इतना डोज दिया है, क्योंकि ली ने कभी एल से रेचल की कही हुई बातों को शेयर ही नहीं किया था। खैर, इन सब के अलावा एक और मजेदार चीज होती है और वो ये कि नोआ के एक झूठ की वजह से एल की सारी फीलिंग्स उसके लिए चेंज हो जाती है और वो मार्को की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होने लगती है, क्योंकि मार्को हर चीज में परफेक्ट रहता है। पर इन सब में वो ये भूल जाती है कि अभी तक उसने नोआ से ब्रेकअप नहीं किया है, जिसका अंजाम ये होता है कि जिस दिन एल का डांस कॉम्पिटिशन रहता है उस दिन नोआ एल को सरप्राइज देने के लिए बिना बताए वहाँ आ जाता है और ऑडियंस के बीच बैठ जाता है, पर नोआ सरप्राइज देने के बदले खुद सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि एल अपना डांस खत्म करने की खुशी में इतनी खो जाती है कि पूरी ऑडियंस के सामने वो मार्को को किस कर लेती है। पर यहाँ एल की खुशी भी ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि जल्द ही उसकी नजर नोआ पड़ती है और उसे फाइनली याद आ जाता है कि नोआ अभी भी उसका बॉयफ्रेंड है। पर अब कहानी ऐसे मोड़ पर आगे रहती है जहाँ इस बात का मतलब ही खत्म हो गया रहता है कि कौन सही है कौन गलत, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी नजर में सही रहता है और जो थोड़ी बहुत कसर बच गई रहती है वो भी यहाँ पूरी हो जाती है। दरअसल ली को पता चल जाता है कि एल ने उसे ये बात छिपा कर रखा था कि वो हावड़ जाना चाहती थी, जिससे आखिर में ली भी एल से नाराज हो जाता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उससे इतनी बड़ी बात छिपा कर रखा। और यहाँ भी अगर कोई कसर बच गई रहती है तो नोआ उसे पूरी तरह से पूरी कर देता है। वो क्लोई को घर में थैंक्स गिविंग की पार्टी पर हावड़ से बुला लेता है, जिसे देखकर एल की पूरी तरह से जल जाती है और एक टाइम के बाद सभी एक एक करके एक दूसरे पर फटना शुरू हो जाते हैं। पर आखिर में इन बेचारों की हालत देखकर किस्मत को भी इन पर तरस आ जाता है और यहाँ से सारा मामला ठीक होना शुरू हो जाता है। हाँ, पर ऐसा भी नहीं है कि उसी वक्त सब कुछ एकदम से ठीक हो जाता है, पर इसकी शुरुआत हो जाती है और शुरुआत होती है रेचल और ली के रिलेशन से। तो इनके साथ होता यह है कि जब ये लोग आपस में लड़ रहे थे तब एल को पता चल जाता है कि रेचल को उसकी इस बात से प्रॉब्लम थी कि वो हर वक्त उनके बीच में आकर उनका सारा मोमेंट खराब कर देती थी। तो ये जानने के बाद एल रेचल से माफी मांगती है, क्योंकि उसे भी रियलाइज होता है कि वो अनजाने में ही सही पर वो ऐसा करके गलत कर रही थी। और अपनी गलती सुधारने के लिए वो रेचल को फिर से ली के लिए सेट करती है, जिससे वापस तीनों दोस्त बन जाते हैं। और इधर नोआ और क्लोई को लेकर सभी को जैसा लग रहा होता है कि उसका उसके साथ चक्कर चल रहा है, असल में ऐसा कुछ नहीं रहता, वो दोनों बस दोस्त रहते हैं। और जहां तक बात उसके रूम में उस इयर रिंग के मिलने की थी, तो क्लोई नोआ को बताती है कि एक दिन उसका मूड बहुत खराब था तो वो रिलैक्स होने के लिए उससे मिलने आई थी, लेकिन वो अपने दोस्तों के साथ कहीं और गया हुआ था और रात बहुत ज्यादा होने की वजह से वो उसी के रूम पे रुक गई थी। सारी गलतफहमी दूर करने के बाद क्लोई नोआ को समझाती है कि उसे वापस एल के पास जाना चाहिए, क्योंकि उसकी जगह पर कोई और भी लड़की रहती तो उसे भी उस पर शक जरूर होता। क्लोई की बात सुनकर नोआ एल से तुरंत मिलने निकल जाता है और उधर इत्तेफाक से एल को भी समझ आ जाता है कि वो नोआ को ऐसे ही जाने नहीं दे सकती, तो वो भी नोआ से मिलने भागती है और यहाँ थोड़ी बहुत बकचोदी होती है, पर इग्नोरिंग। तो आखिर में फाइनली ये दोनों भी मिल ही जाते हैं और नोआ उसे सारी सच्चाई बताकर उसकी गलतफहमी भी दूर कर देता है और आखिर में सभी की प्रॉब्लम्स फिलहाल के लिए खत्म हो जाती है। हालांकि कुछ बातें अधूरी रह जाती है, पर फिलहाल के लिए उसे ना छेड़ना ही ठीक होगा। तो ये मूवी यही खत्म होती है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और इस तरह की और मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, जाते जाते इस वीडियो को लाइक जरूर करते जाना।